डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हावड़ा रिक्रूटमेंट 2019। दोस्तों, हावड़ा में जो अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती निकली है, आज उसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, मेरा नाम विद्युत दास है और आप लोग देख रहे हैं न्यू जॉब। जॉब से रिलेटेड ऐसे जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह हमें टोटल जो वैकेंसी बताया गया है वो 19 है और इसका पोस्ट जो रखा गया है वो अकाउंटेंट और डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हावड़ा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है हावड़ा जिला परिषद .in। अप्लाई मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा। जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल। लास्ट डेट जो रखा गया है वो 15th मार्च रखा गया है। अकाउंटेंट के लिए जो वैकेंसी रखा गया है वो 3 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी है वो 16 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकाउंटेंट के लिए रखा गया है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विथ ऑनर्स। सेकंड जो रखा गया है वो वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। 3 नंबर है 3 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो रखा गया है क्वालिफिकेशन वो है ग्रेजुएशन। दूसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। तीसरा है 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। एज का अगर बात करें तो अकाउंटेंट के लिए जो एज रखा गया है वो 40 ईयर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी एज रखा गया है 40 ईयर्स। दोस्तों, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन होगा। अकाउंटेंट के लिए जो सैलरी रखा गया है वो 15,000 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो सैलरी रखा गया है वो 11,000 है। दोस्तों, नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई के लिए हम वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे आप लोगों को। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमको बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर मिलेंगे दोस्तों किसी दूसरे दिन किसी दूसरे जॉब से रिलेटेड जानकारी के साथ। आज दीजिए इजाज़त। गुड बाय।